ये अभी मार्शल आर्ट है, समझो उसने ऐसे वो पे ब्लॉक करेगा, फिर ऐसे कुछ करेगा, ऐसे मारेगा, यहाँ पर पकड़ेगा, ऐसे मारेगा, ये मार्शल आर्ट्स है। ये कराटे क्लास में, टाइक्वांडो क्लास में, स्टूडियो में, घर में, कंपटीशन में चल सकता है और चलता है, लेकिन रास्ते पे या कोई सुनसान जगह पे या कोई महिला के ऊपर अचानक से अटैक होता है, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस होता है महिला के दिमाग में। देर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देर इज़ लॉट ऑफ टेंशन, देर इज़ लॉट ऑफ पैनिक अटैक, देर इज़ लॉट ऑफ फियर। तो वहाँ पर ये सब चलने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ेगी। तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जब कोई हमला करता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आइदर जो अटैकर है आपका, जो क्रिमिनल है, गुंडा है, वो आपको मारेगा या आप उसको मारना है और आपको वहाँ से भाग जाना है। सो व्हाट दैट लेडी इज ट्रेन टू डू इज आइदर मैक्सिमम तीन फटका या तीन मारने के लिए हम लोग सिखाते, ऐसे 10-15 बार मारना वो कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअल सेल्फ डिफेंस विच हैज बीन प्रूव दैट इट वर्क्स ऑन द स्ट्रीट इन अ हाई स्ट्रेस सिचुएशन। अब वो सेम अटैक हो रहा है, ये सब उसमें हम लोग नहीं सीखते। हम लोग क्या करते हैं, जैसा अटैक आ गया तो महिला को क्या करना है, कोई भी गुंडा, कोई भी इंसान, कोई भी मवाली अटैकर, उसके शरीर पे कोई ऐसे टारगेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आग यहाँ पर सेंटर, जिसे ग्रॉइन कहते हैं हम लोग, यहाँ पर नेक पे या नी पे, इस दो तीन जगह पे मारने के लिए हम लोग सीखते हैं, या कान पे। अब यही अटैक सेल्फ डिफेंस में महिला ने क्या करना चाहिए वो देखिए। उन्होंने पहले, समझो हम लोग सिखाते हैं उनको, एक नाक के ऊपर मारना है, यहाँ पर मारना है, दैट्स ऑल, ये दो से काम हो जाता है। तो कितना भी स्ट्रांग आदमी होगा, आप उसके नाक के ऊपर एक फटका जोर से मारते हैं या समझो आँख पे मारते हो और यहाँ पर सेंटर पे मारते हो, उससे काम हो जाता है। महिला ने सेम करना है, आपको ये हाथ छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ वहाँ पर रहने दो, आपको सिर्फ वापस यहाँ पर मारना है, कान पे मारना है, वापस यहाँ पे मारना है, दैट्स ऑल। मैं आपको क्या बात से, वापस अगर वो अटैक करता है, यहाँ पर आप एक हाथ रख सकते हैं, अभी आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, दो एल्बोज है, सर है, दांत है काटने के लिए, नाखून है, ये भाग ऐसे तुम्हारे शरीर में, महिला के शरीर में या पुरुष के शरीर में कुछ हाथी, इसको यहाँ पर एक मारो, कान के ऊपर मारो, ये दो तीन इसमें चल जाता है। एक क्राइम अवेयरनेस, आपको जो गलत चीज़ होती है उसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो हम लोग पहले महिला को अवेयर करते हैं, सेकेंड पार्ट इज क्राइम प्रिवेंशन। ये जो क्राइम होती है वो किस तरह से उससे बचना चाहिए, दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो ये सब चीज़ें सिखाएगी। समझो मान लो आपको कोई ऐसे पकड़ता है, somebody is trying to hold a like this, all you have to do is you have to claw his eyes, just try it, it's very simple. ऐसे, as soon as somebody holds the hand, she has to first claw the eye 3-4 times and then one slap on the groin. Now ये सीखने को कितना टाइम है, आप ऐसे एक एक्शन ले लो, आप दो तीन बार क्लॉ करो और ऐसे घुमा के यहाँ पे मारो और जोर से किया चिल्लाओ, क्या चिल्लाना है, किया। जब आप ऐसे करोगे ना, किया बोलो, यहाँ पर एक किया बोल के चिल्लाओ, बस एक समझो एक